नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को जन्मदिन पर जब दुनिया भर के नेताओं से बधाइयां मिल रही थी, उसी बीच पाकिस्तान के मंत्री का बेहुदा ट्वीट आया। पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ट्वीट कर अपनी किरकिरी करा ली। उनके अपने देश के ही लोग उनके शर्मनाक ट्वीट की आलोचना कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होते हुए इस तरह का घटिया बयान देना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान के ये मंत्री कितने सभ्य हैं। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा, टुडे रिमाइंड्स अस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स #मोदीबर्थडे। अब शायद ही आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब समझाने की जरूरत है, फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम बता दें फवाद आखिर क्या कह रहे हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब होता है अ डिवाइस और ड्रग सर्विंग टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। यानी कि पाकिस्तानी मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी के माता पिता ने ये दवाई खाई होती तो शायद वह इस दुनिया में ही नहीं होते। फवाद चौधरी सोशल मीडिया पर अपने इस ट्वीट के चलते बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि क्या आपको दूसरा काम नहीं है, फवाद के इस ट्वीट की जमकर आलोचना हो रही है। ट्विटर पर कुछ लोग फवाद की मौज लेते हुए मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके ने इस तरह के शब्द के इस्तेमाल पर पाकिस्तान के मंत्री को धिक्कारा है। ऐसा ही एक ट्वीट पाकिस्तानी पंजाब के एक प्रोफेसर के ट्विटर हैंडल से आया। उन्होंने अपने शब्दों में पाकिस्तान के मंत्री और इमरान खान की सरकार को नसीहत भी दे डाली। आयशा अहमद ने लिखा कि जहालत है एक मिनिस्टर की सीट पर पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि एक स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री को क्या कमेंट कर रहे हैं। इतनी दुश्मनी दिखानी है तो तकनीक में, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा करे, बुरे अल्फाज में स्पर्धा करके विनर होना कोई सम्मान नहीं है मिस्टर मिनिस्टर। खास बात यह है कि पाकिस्तान के लोग भी फवाद की इस हरकत की निंदा कर रहे हैं। कराची के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, आपको कोई काम नहीं दिए हैं खान साहब ने, जो सुबह सुबह जाहिलों से ट्वीट स्टार्ट कर दिए। गौरतलब है कि इससे पहले भारत के चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर आकर खो जाने पर देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने निराशा व्यक्त की थी। निराशा के इस माहौल में भी पाकिस्तान के राजनेता जहर उगलने से बाज नहीं आए थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।